मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सॉरी थोड़ा ऊँची नहीं बोल पा रहा हूँ। कल मेरी सर्जरी हुई है इवनिंग में नियर अबाउट 5:30 एंड रात को 10:30 तक हुई है, लगभग 4 से 5 घंटे लगे। और प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत क्रिटिकल थी क्योंकि तीनों चारों मसल जो थे वो टूट चुके थे और रोटेटर का बिल्कुल डेड हो चुका था, जिसकी वजह से मैं 1.5 kg की प्लेट भी नहीं ऊपर उठा पाता था, लाइक इंक्लूडिंग बाथिंग मग होता है, मग भी नहीं उठाता था लेफ्ट से ना, तो इस हद तक प्रॉब्लम थी। तभी मैं आपको अगर ग्राउंड में थ्रो की वीडियो अगर बना के दिखा रहा हूँ तो उसमें थोड़ा सा थ्रो फेंकते भी पेन हो रहा था। तो ये प्रॉब्लम मेरे 2017 में फर्स्ट टाइम आई थी, लेकिन इसी के अंदर मैंने एशियन चैम्पियनशिप खेली, उसके अंदर 83 मीटर लगी और इसी के चलते मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली जिसमें 84.29 लगी। भगवान ने बहुत हेल्प करी, वाहेगुरु परमात्मा ने, लेकिन उस चीज़ को इग्नोर करता रहा, स्ट्रेंथनिंग कर ली, रिहैब कर ली। देखो रिहैब और स्ट्रेंथनिंग ने मेरे को एडवांटेज दी है क्योंकि रिहैब और ये स्ट्रेंथनिंग करके मैंने दोबारा ऑन ग्राउंड 87-88 तक ले गया था अपनी रेंज को, जो कि ख़त्म हो गई थी 2018 के स्टार्टिंग में। और फिर प्रॉब्लम हो गई, फिर एक साल ऐसे रहा। उसके बाद 2019 में आया, अब सच मानना मेरी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं थी और 73 kg बॉडी वेट था, तब आके 79 मीटर थ्रो करी। तो उसके बाद से ये प्रॉब्लम और बढ़ गई एंड ऐसे ऐसे चलता गया। पहले से रिकवर था बट अब जो हुआ इंटरस्टेट में इस साल वो उतर ही गया, ख़त्म हो गया। तो मेरे को पता है मैंने ये लगभग मैं करवा बहुत लेना था पहले ही, लाइक जून में ही करवा लेता, शायद जुलाई में जून में करवा लेता। मेरे को इतना टाइम क्यों लग गया कि यार इस फेस ने ना, जो ये टाइम था 3-4 महीने का, इसने मेरे को काफ़ी बंदों के प्रति एक जागरूक भी किया है कि इसमें पता चलता है कि कौन आपके साथ है कौन नहीं है। और सच मानना मैं आपको भी एक सजेशन देता हूँ, आपके साथ सिर्फ आप ही हो और कोई भी नहीं है। सॉरी बुरा मत मानना, किसी को बुरा लगता हो, मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी को बुरा लगता हो, नहीं मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बस उनको भी कह रहा हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल वालों को भी कह रहा हूँ, और मेरे फ्रेंड सर्कल वालों को भी बोल रहा हूँ कि तुम्हारे साथ भी सिर्फ तुम ही हो और कोई दोस्त दोस्त ये सब बातें होती हैं। तो इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग गया ये करवाने में, और अच्छे 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 चेहरे दिखाए भगवान ने, बहुतों ने हेल्प भी करी। और इस स्पेशल इस सर्जरी के लिए मैं जो थैंक यू बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले डॉक्टर रजत पंडित जलंधर के फिजियोथेरेपिस्ट हैं हमारे और बहुत ही जेन्युइन पर्सन है। सेकंड जिन्होंने मेरी सर्जरी करी है डॉक्टर साहब मनित अरोड़ा जी, इनका बहुत थैंक यू करता हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत समझदारी से करी है। इज़ अ एक्सपर्ट शोल्डर एल्बो और नी, ये तीन चीज़ों के स्पेशलिस्ट हैं चंडीगढ़ में, तो इनसे बेस्ट कोई है नहीं। स्पोर्ट्स इंजरी के डॉक्टर हैं ये। मैं आप लोगों को भी बोलूँगा, कभी भगवान करे किसी को ना आए, अगर आए तो स्पोर्ट्स इंजरी वाले जो डॉक्टर होते हैं उनको दिखाएं, ना कि आपके शहर में आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई डॉक्टर है जो सस्ते में कर देता है और वो आपके अंदर नट लगा देता है, जिसकी वजह से आप ना तो कभी शोल्डर को रोटेट कर पाओगे और ना कभी थ्रो कर पाओगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। और मेरा ब्रदर इंद्रजीत, सच मानना वो रात को मेरे लिए यहाँ 11-12 बजे भी खड़ा था, और जबकि उसने शिफ्ट करा यहाँ पर, उसको बहुत काम है, मैं समझ सकता हूँ उसकी इस मजबूरी को भी, लेकिन वो आया, वो हमेशा आता है। तो भाई मैंने उसको दोस्त कभी नहीं बोला होगा, किसी के आगे भी नहीं बोलता हूँ, चाहे मेरे उसका रेफरेंस लेके किसी की कॉल आ जाए मैं बोलता हूँ मेरे भाई ने नंबर दिया होगा आपको। तो इज सच अ गुड पर्सन,
और विक्रम पाजी का भी थोड़ा रोल है इसमें। विक्रम पाजी ने भी मतलब डोलने नहीं दिया मेरे को फ़ोन पे बताना कि ग्राउंड आया कर, हालांकि मेरे अंदर नहीं थी हिम्मत ग्राउंड जाने की, ग्राउंड जाके करूँगा क्या। तो ये सारी चीज़ें थी। तो सॉरी, आप सब लोगों का भी थैंक यू। कोशिश करना अगर या वीडियो देखें तो यार कमेंट करना कि थोड़ा ठीक फील होता है और इस टाइम में आपकी बेस्ट विशेस की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच गाइस।